hello class today we will do chapter 7 and chapter 7 is conservation of plants and animals so in this chapter you will going to learn about the causes and consequences of deforestation describe the link between habitat and biodiversity and describe various human interventions to conserve forests and wildlife so let's start with the chapter in the past india was covered with large areas of forests एज द पॉपुलेशन इंक्रीज ओवर द ईयर्स मोर एंड मोर लैंड वॉज ऑक्युपाइड बाई ह्यूमन्स टू बिल्ड सिटीज़ एंड टू कल्टिवेट क्रॉप्स तो हुआ क्या कि पास्ट में आ, हमारे अच्छा खासा इंडिया का जो एरिया था वो फॉरेस्ट एरिया था आ, पर अब जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती गई वैसे वैसे जंगल कटते गए लोगों ने जंगल काट दिए पेड़ काट दिए और अपनी ज़रूरतें पूरी की लोगों की ज़रूरतें थी ज़मीन जिससे जिस पर वो कल्टीवेशन कर पाए क्रॉप उगा पाए दूसरा था सिटीज़ बनाना बिल्डिंग्स बनाना द गुड न्यूज़ इज़ दैट द फॉरेस्ट कवर इन द कंट्री हैज़ इंक्रीज बाई वन परसेंट तो ये अच्छी एक न्यूज़ है कि 2017 में एक फ़ॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट जारी की जिसमें पहले फॉरेस्ट कवर इंडिया में ट्वेंटी परसेंट था अब ट्वेंटी वन परसेंट है एक परसेंट बढ़ा है बट दिस परसेंटेज इज़ वेरी स्मॉल एज फॉरेस्ट आर ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस टू द एग्जिस्टेंस एंड वेल बींग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ पर यह जो परसेंटेज है ये अभी भी बहुत कम है इससे भी कहीं ज़्यादा परसेंटेज होना चाहिए फॉरेस्ट कवर का तभी ऑर्गेनिज्म और ह्यूमन बींग्स को सपोर्ट मिल पाएगा सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ फॉरेस्ट आर गिवन बिलो दे प्रोवाइड हैबिटेट फॉर वेरियस प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज जैसा कि हम सब जानते हैं कि जंगल क्यों ज़रूरी हैं जंगल रहने की जगह है जानवरों के लिए दे प्रोवाइड क्लीन एयर टू ब्रीथ फॉर ऑल अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म इसके अलावा जो जंगल हैं जो पेड़ हैं वो साफ हवा देते हैं जीने के लिए दे कंट्रोल द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोसफियर दे आर बाय प्रिवेंटिंग ग्लोबल वार्मिंग इसके अलावा ये कार्बन डाइऑक्साइड का भी लेवल बना कर रखते हैं जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग ना हो दे रेगुलेट द क्लाइमेट ऑफ अ रीजन इसके अलावा ये एरिया का जो मौसम है उसको भी बना कर रखते हैं दे प्रिवेंट सॉइल इरोजन दस प्रोटेक्टिंग वैल्यूएबल रिसोर्स इसके अलावा ये सॉइल इरोजन को भी बचाते हैं ये मिट्टी को बहने से भी बचाते हैं दे प्रोवाइड यूजफुल प्रोडक्ट सचेज टिम्बर रेजिन एंड गम टू ह्यूम्स इसके अलावा ये आपको लकड़ियाँ भी देते हैं रेजिन भी देते हैं गम भी देते हैं अब हम देखते हैं कि डिफॉरेस्टेशन है क्या सो द टर्म डिफॉरेस्टेशन इज़ यूज टू डिस्क्राइब द एक्ट ऑफ मैसिव कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज एंड क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट टू यूज़ द लैंड फॉर अदर पर्पजेज डिफॉरेस्टेशन होता क्या है डिफॉरेस्टेशन होता है बहुत बड़े पैमाने पर एक साथ काफ़ी सारे पेड़ों को काट देना और अपने लिए ज़मीन तैयार कर लेना अलग अलग पर्पज़ के लिए यानि कि आप उसमें रोड बनाएँ या फिर उसमें आप इंडस्ट्री बनाएँ या फिर आप उसको कल्टिवेशन के लिए यूज़ करें देयर कुड बी अ नंबर ऑफ़ रीजनस फॉर डिफॉरेस्टेशन सम ऑफ़ विच आर लिस्टेड हेअ नेचुरल कॉज़ ऑफ़ डिफॉरस्टेशन अब अपने आप कैसे डिफॉरेस्टेशन हो जाता है एक तरीका तो हुआ कि लोगों ने जंगल काट दिए पेड़ काट दिए पर कई बार क्या होता है कि इस तरीके के नेचुरल फिनोमिना भी होते हैं जिसकी वजह से भी जंगल ख़त्म हो जाते हैं जैसे कि फॉरेस्ट फायर जंगलों में आग लग जाती है सूखा पड़ जाता है ऐसे रेन पड़ जाती है जिसकी वजह से जितने भी प्लांट्स होते हैं वो मर जाते हैं इसके अलावा इरप्शन भी एक ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से बड़े लेवल पे आपका डिफॉरेस्टेशन होता है अब ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट फॉर ह्यूमन सेटलमेंट एंड कल्टिवेटिंग क्रॉप तो ह्यूमन बींग्स क्यों साफ़ करते हैं जंगलों को रहने के लिए या क्रॉप उगाने के लिए कटिंग फॉरेस्ट फॉर कैटल ग्रेजिंग अपनी कैटल्स को ग्रेज़ कराने के लिए चराने के लिए लॉगिंग ऑफ ट्रीज़ फॉर कमर्शियल एक्टिविटीज़ इसके अलावा ट्रीज़ के लिए है ना अपने ट्री उन ट्रीज से वो लोग क्या करते हैं टिम्बर निकालते हैं लकड़ियाँ निकालते हैं और यूज़ करते हैं अब कॉन्सिक्वेंसिस ऑफ डिफॉरेस्टेशन फ़र्क क्या पड़ता है डिफॉरेस्टेशन से हमारी अर्थ पर डिफॉरेस्टेशन कैन हैव अ सीवियर इम्पैक्ट ऑन द एन्वायरमेंट एंड द इनहेबिटेंट्स ऑफ द अर्थ सम ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन आर डिस्क्राइब हेयर सो लॉस ऑफ़ हैबिटेट सबसे पहले तो हमने यही बात की थी कि जो जंगल है जो पेड़ है वहाँ पर Uh, जानवर रहते हैं अलग अलग टाइप के जंगल में पेड़ उगते हैं तो ये उनका घर है और हम उनका घर काट रहे हैं अबाउट सेवेंटी परसेंट ऑफ लैंड एनिमल्स एंड प्लांट्स लिव इन द फॉरेस्ट द मोस्ट ड्रेस्टिंग इम्पैक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन विल बी द लॉस ऑफ हैबिटेट फॉर मिलियंस ऑफ दीज प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज अगर हम जंगल काट देंगे तो बहुत सारी ऐसी प्रजातियां हैं प्लांट्स की और एनिमल्स की जो खत्म हो जाएंगी इट मे लीड टू द एक्सटिंक्शन ऑफ मैनी ऑफ दीज़ स्पीसीज नाउ एक्सट्रीम टेम्परेचर जैसे कि हमने बात की थी कि ये मौसम को भी मेनटेन करने के काम आ, काम करते हैं इन्वायरमेंट में द फॉरेस्ट कैनअपी ब्लॉक सन रेज ड्यूरिंग द डे एंड होल्ड द हीट इन ड्यूरिंग द नाइट तो फॉरेस्ट का, का जो घने जंगल होते हैं उसमें एक तो सीधी रोशनी आने से बचती है सीधी रोशनी अगर पड़ेगी पेड़ पौधों पर तो पेड़ पौधे जल जाएंगे तो घने जंगलों में एक तो पेड़ पौधे जलने से बच जाते हैं दूसरा इनके जो एनवायरनमेंट में घने जंगलों में जो हीट ट्रैप हो जाती है उससे रात को भी गर्माहट बनी रहती है दिस रेगुलेट्स द टेम्परेचर ऑफ़ द एरिया जिसकी वजह से जो उस एरिया का टेम्परेचर होता है वो मेंटेन रहता है द डिस्ट्रक्शन ऑफ़ द कैनपी कवर ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन रिजल्ट इन एक्सट्रीम टेम्परेचर चेंजेस विच में हम द एनिमल एंड प्लांट लाइफ पर जो ट्रीज़ हैं जो इन रेज को आने से बचा रहे हैं जो रेज को निकलने से बचा रहे हैं वॉम को मतलब वॉम्थ को अपने पास संभाल के रख रहे हैं अगर हम उन्हीं पेड़ों को काट देंगे तो टेम्परेचर गड़बड़ हो जाएगा और ये बड़ा ही घातक है एनिमल्स और प्लांट्स के लिए नो सॉइल इरोज़न वेजिटेशन होल्ड द सॉइल टुगेदर तो ये हम सब जानते हैं कि जो पेड़ होते हैं पेड़ की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती हैं विद रिड्यूस्ड फॉरेस्ट कवा द सॉयल गेट्स एक्सपोज टू द हार्श एन्वायरमेंट दिस मेक्स द सॉयल लूज विच मे देन गेट इरोडेड बाय विंड रेन और फ्लड अब होगा क्या कि कभी आपने पेड़ उखाड़ कर देखा है छोटा सा पौधा हो उसे उखाड़ के देखिएगा उसके जड़ों में मिट्टी बंदी मिलेगी आपको मिट्टी कसके पकड़ लेते हैं ये जो इसकी रूट्स होती हैं प्लांट्स की पर जब प्लांट्स ही नहीं रहेंगे तो मिट्टी को कौन पकड़ेगा और जब मिट्टी को कोई नहीं पकड़ेगा तो जब आंधी आएगी तूफान आएगा बारिश आएगी तो अपने संग वो मिट्टी बहाकर ले जाएगी और सॉयल इरोजन हो जाएगा डिप्लीशन ऑफ द ग्राउंड वाटर लेवल ट्रीज हेल्प इन द पर्कुलेशन ऑफ वाटर अंडरग्राउंड इफ़ ट्रीज़ आर कट डाउन द वाटर लेवल ऑल्सो गोज डाउन कॉजिंग वाटर स्कैसिटी फॉर ह्यूमन यूज़ इसके अलावा ये ग्राउंड वाटर को भी रिचार्ज करते हैं यानी ज़मीन के अंदर के पानी को भी रिचार्ज करते हैं एक्चुअली uh, ये हेल्प करते हैं कि जब बारिश पड़े या वाटर बॉडी है या कहीं से भी पानी मिलेगा तो ये पानी रूट्स के थ्रू और प्लांट्स के थ्रू नीचे चला जाता है ज़मीन के अंदर और इस तरीके से आपका ग्राउंड वाटर लेवल मेंटेन रहता है ड्रॉट्स

दस देयर इज बैलेंस इन द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल इन द एटमोसफियर इसलिए प्लांट्स uh, रिस्पॉन्सिबल होते हैं एनवायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को मैंटेन करने के लिए सो विद इंक्रीजिंग ह्यूमन पॉपुलेशन मोर कार्बन डाइऑक्साइड इज बिंग रिलीज इन टू द एटमोसफियर हाउ एवर ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन द एब्जॉर्बन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वाई द प्लांट्स इज रिड्यूसड अब वो उल्टा रहा है पॉपुलेशन बढ़ रही है कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा निकल रही है और प्लांट्स उतनी ही तेजी से काटे जा रहे हैं तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को लेगा कौन कार्बन डाइऑक्साइड एज वी नो इज़ अ ग्रीन हाउस गैस इट इट डज़ नाट अलाउ द हीट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द अर्थ सरफेस टू एस्केप अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है ये एनवायरनमेंट में जितनी भी सूरज की रोशनी आती है हीट आती है उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब करके रखती है और उसको बाहर नहीं निकलने देती है अब जो रेज हैं अगर वो अर्थ के ही एटमॉस्फेयर में ट्रैप होकर रह जाएंगे तो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा यानी गर्मी बढ़ जाएगी और इसी को हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग और इसकी वजह से सूखा भी पड़ सकता है नेक्स्ट डेजर्टिफिकेशन द फॉरेस्ट सॉइल इज़ मॉइस्ट विच सपोर्ट्स द ग्रोथ ऑफ अ वाइड वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विदाउट फॉरेस्ट कवर द सॉइल बिकम्स ड्राई ड्यू टू दनस रेज एंड द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज इम्पैक्टेड तो हम सब जानते हैं कि सॉइल के अंदर ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि प्लांट्स को सपोर्ट करते हैं ग्रो करने के लिए जब प्लांट्स ही नहीं होंगे तो सीधी रोशनी आएगी सॉइल पर जो कि सॉइल को बिल्कुल सूखा कर देगी दूसरा उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी खत्म कर देगी जो कि सॉइल की फर्टिलिटी को मेनटेन करते हैं दिस अफेक्ट्स द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल लॉस ऑफ फॉरेस्ट कवर ऑल्सो लीड्स टू सॉइल इरोजन जितना ज़्यादा फॉरेस्ट कटेंगे उतना ही ज़्यादा सॉयल इरोजन भी होगा द हार्ड रॉकी लोअर लेयर्स विच गेट एक्सपोज आर लेस फर्टाइल एंड डू नॉट सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन होगा क्या कि बारिश के साथ हवा के साथ जब ऊपर की अच्छी मिट्टी उड़ जाएगी तो नीचे की जो रॉक है वो निकल आएगी और हम सब जानते हैं कि रॉक में प्लांटेशन नहीं हो सकता ग्रोथ नहीं हो सकती प्लांट्स की दस ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन द फर्टाइल लैंड गेट्स कन्वर्टेड इन बैरन डेजर्ट्स और वेस्ट लैंड तो एक अच्छी मिट्टी अगर हट जाएगी तो वहाँ की जो जमीन है वो बंजर हो जाएगी दिस ग्रेजुअल कन्वर्जन ऑफ फर्टाइल ह्यूमिड सॉयल इंटू अ ड्राई वेस्ट लैंड इज कॉल्ड डेजर्टिफिकेशन नाउ बायोडाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी क्या है द अर्थ इज होम टू अ डाइवर्स वैराइटी ऑफ प्लांट्स एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दिस वैराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी तो हम सब जानते हैं कि जो अर्थ है उस पर अलग अलग टाइप के प्लांट्स हैं अलग टाइप के एनिमल्स हैं अलग टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं और यही जो डिफरेंट स्पीसीज है जो प्रजातियाँ हैं इसी को हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी हाउ एवर ऑल प्लांट्स डू नॉट ग्रो एवरीवेयर एंड ऑल एनिमल्स डू नॉट लिव इन ऑल रीजन ईदर तो हर प्लांट हर जगह नहीं उगता इसी तरीके से हर एनिमल हर जगह नहीं रहता फॉर एग्जाम्पल वी वुड फाइंड पीपल बनियान एंड टीक ट्रीज ग्रोइंग बेटर इन अ फॉरेस्ट तो जैसे पीपल का पेड़ है टीक का पेड़ है ये आपके फॉरेस्ट में अच्छी तरह ग्रो uh, करते हैं अलॉन्ग विथ प्लांट्स वी वुड ऑल्सो फाइंड एनिमल्स सच एज मंकीज़ एलिफेंट्स लॉयस टाइगर्स इन द फॉरेस्ट द प्लाट्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया आर कॉल्ड फ्लोरा वाइल्ड द एनिमल्स इन अ पर्टिकुलर एरिया आर कॉल्ड फोना ऑफ दैट एरिया इसको अंडरलाइन करिएगा कि किसी एक एरिया में पर्टिकुलर प्लांट मिलते हैं यानी भाई ये बोला जाए कि डेजर्ट में ये प्लांट मिलते हैं तो ये उस जगह का फ्लोरा हो गया और एक पर्टिकुलर जगह पे एक पर्टिकुलर टाइप के जो एनिमल्स uh, मिलते हैं उनको बोलते हैं फोना द प्लेस वेयर अ पर्टिकुलर प्लांट और एनिमल लिव्स और ग्रोज इज कॉल्ड द हैबिटेट ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट ऑर्गेनिज्मल वन एन एंड आर एबल टू ब्रीड अमंग अमंगस इज कॉल्ड अ कॉल्डिस प्रजाति क्या होती है प्रजाति होती है एक जैसे ऑर्गेनिज्म का ग्रुप सम स्पीसीज आर रिस्ट्रिक्टेड टू अ पर्टिकुलर रीजन और एरिया एंड आर नॉट फाउंड एनी एल्स दीज आर कॉल्ड एंडेमिक स्पीसीज तो ऐसी स्पीसीज जो एक पर्टिकुलर एरिया में ही मिलती हैं वो और कहीं नहीं मिलती उनको हम बोलते हैं एंडेमिक स्पीसीज दे कैन बी एंडेमिक टू अ जोन स्टेट और कंट्री फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया the pygmy hog and the hoolock gibbon are endemic to assam while the insectivorous pitcher plant is endemic to meghalaya ye sirf meghalaya tak seemit hai isi tarike se aapke jo आ, ये पिग्मी हॉक हैं और हुलॉक गिबन हैं ये असम तक ही सीमित हैं सर्टेन स्पीसीज ऑफ बर्ड्स फिश एंड डियर मूव फ्राम वन रीजन टू अनदर विद वेदर चेंजेस इसके अलावा कुछ स्पीसीज बर्ड्स की फिश की ऐसी हैं जो मौसम के अनुसार अपनी जगह को चेंज करती रहती हैं सच मूवमेंट इज़ कॉल्ड माइग्रेशन एंड सच स्पीसीज ऑफ एनिमल्स आर कॉल्ड माइग्रेटरी स्पीसीज तो मौसम के अनुसार जो स्पीसीज जो प्रजातियाँ अपनी जगह बदलती हैं उनको उस इस मूवमेंट को इस आने जाने को हम बोलते हैं माइग्रेशन और जो स्पीसीज जो प्रजातियाँ ये शो करती हैं ये कैरेक्टरिस्टिक शो करती हैं इसको हम बोलते हैं माइग्रेटरी स्पीसीज बर्ड्स माइग्रेट फॉर फूड एंड ब्रीडिंग टू अवॉइड अनफेवरेबल कंडीशंस मुनार्क बटरफ्लाइज आर इनक्रेडिबल क्रीचर्स दे स्पेंड देयर समर्स इन द नदर्न पार्ट ऑफ कैनेडा एंड देन माइग्रेट टू द साउथ फॉर द विंटर तो देखिए जैसे कि ये मुनार्क बटरफ्लाई है ये कैनेडा के नॉर्दर्न पार्ट में रहती है आपके समर में और जब विंटर आ जाता है तो चली जाती हैं ये साउथ में दे ट्रेवल थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स समोस्ट टू थाउजेंड नाइन हंड्रेड किलोमीटर फ्रॉम कैनेडा टू मैक्सिको तो ये आप सोच सकते हैं कि लगभग लगभग लग 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 तीन हजार किलोमीटर हो गया तीन हजार किलोमीटर का डिस्टेंस ये ट्रैवल करती हैं कैनेडा से मैक्सिको तक दे माइग्रेट टू प्रोटेक्ट दमसेल्स फ्राम द कोल्ड ये माइग्रेट करती हैं एक जगह से दूसरी जगह मूव करती हैं खुद को ठंड से बचाने के लिए The green turtles live along the coast of Brazil in shallow waters that have abundant food. The adult turtles migrate to a small island in the Atlantic Ocean called the Ascension Island to lay their eggs. This remote island is located more than 3000 km away. तो खाने के लिए ये पानी में जाते हैं ब्राजील के ठीक है कोस्ट ऑफ ब्राजील के और जब इनको अंडे देने होते हैं तो ये अटलांटिक ओशियन में आइलैंड पर जाते हैं जो कि लगभग ये तीन हज़ार किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं इट टेक्स द टर्टल्स अराउंड फिफ्टी डेज टू गेट टू द आइलैंड सोचो इसको पचास दिन लगते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए यानी जिस आइलैंड पर ये अंडे देता है वहाँ तक पहुँचने में इसको पचास दिन लगते हैं आफ्टर लेइंग देयर एग्स द टर्टल्स स्विम बैक टू द कोस्ट ऑफ ब्राज़ील सोचो कितनी मेहनत करता है बेचारा टर्टल कि पहले वहाँ आइलैंड पे जाकर अंडे देकर आएगा उसके बाद वापस आएगा ब्राज़ील के कोस्ट पर दिस रिटर्न जर्नी टेक देम अबाउट थर्टी डेज इवन ब्लाइंड टर्टल्स आर कैपेबल ऑफ अंडरटेकिंग दिस जर्नी नाउ इको सिस्टम इको सिस्टम क्या होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक प्लांट्स एनिमल्स इंसेक्ट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एन एरिया इंटरेक्ट विद द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ नेचर लाइक सॉइल वाटर एंड क्लाइमेटिक कंडीशन टू फॉर्म एन ईको सिस्टम तो इको सिस्टम क्या होता है जहाँ लिविंग ऑर्गेनिजम्स नॉन लिविंग थिंग्स के साथ मिलकर रहते हैं और एक दूसरे की लाइफ को सपोर्ट करते हैं उसको बोलते हैं हम ईको सिस्टम अपॉन्ड अ फॉरेस्ट एंड अ ग्रास लैंड आर एग्जाम्पल्स ऑफ डिफरेंट इको सिस्टम्स द पार्ट ऑफ़ द अर्थ एंड इट्स एटमोसफियर इन विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट और इज कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग लाइफ इज कॉल्ड द बायोस्फियर तो वो हिस्सा हमारी अर्थ का जहाँ पर एटमॉसफियर ऐसा है जो कि लाइफ को सपोर्ट करता है जीने में मदद करता है ऐसे माहौल को हम बोलते हैं बायोस्फियर उस एरिया को उस अर्थ के पार्ट को हम बोलते हैं बायोसफियर ना कंजर्वेशन तो आप सब जानते हैं कि प्लांट्स और एनिमल्स हमारे अर्थ के इकोसिस्टम को बैलेंस करने के लिए कितने ज़रूरी हैं बिना प्लांट्स और एनिमल्स के हमारी अर्थ उस तरीके की नहीं होगी जैसा कि आज है तो इन सबको बचाना बहुत ज़रूरी है इसके लिए कंज़र्वेशन हमें करना चाहिए सो डिफॉरेस्टेशन एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक एनक्रोचमेंट ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ एनिमल्स आर डिस्ट्रॉइंग द बायोडाइवर्सिटी ऑफ नेचर ह्यूमन एक्टिविटीज़ और डिफॉरेस्टेशन एक काफ़ी बड़ा रीजन है कि हम उनके नेचुरल हैबिटेट को यानी नेचुरल उनकी जो जगह है रहने की उन्हें खराब कर रहे हैं वी विल किल एनिमल्स विदाउट गिविंग अ थाट अबाउट इट किलिंग इवन स्मॉल एनिमल्स सच एस लिजर्स प्रॉग्स एंड बर्ड्स can have a negative impact on the ecosystem where they live due to constant hunting and encroachment of habitat some of the animals no longer exist सिर्फ हमारे डीफॉरेस्टेशन करने की वजह से और हंटिंग करने की वजह से आज तक ही सारी ऐसी प्रजातियां हैं जो खत्म हो चुकी हैं these animals are called extinct animals or species some other species are nearing extinct, uh, extinction these are called endangered species तो ऐसी स्पीसीज जो हमारे हंटिंग करने की वजह से टेम्परेचर चेंज होने की वजह से या उनका नेचुरल हैबिटेट खत्म होने की वजह से जो प्रजातियां ख़त्म हो चुकी हैं हम उन्हें बोलते हैं एक्सटिंक्ट एनिमल्स इसके अलावा जो ख़तरे में हैं जो बहुत जल्दी ख़त्म होने वाली हैं उनको हम बोलते हैं एंडेंजर्ड स्पीसीज द इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज मेंटेन्स अ लिस्ट इन अ बुक कॉल्ड द रेड डाटा बुक द रेड डाटा बुक क्लासीफाइज एनिमल्स एंड प्लांट इंटू डिफरेंट ग्रोप्स बेस्ड ऑन द रिस्क ऑफ एंडेंजरमेंट एंड एक्सटेंक्शन अब जो आई यू सी एन है इसका फुल फॉर्म है आपका इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स तो ये जो आपका संस्थान है ये एक रेड डाटा बुक बनाता है और रेड डाटा बुक में ये उन सारी स्पीसीज का नाम लिखता है जो या तो खत्म हो चुकी हैं या फिर खत्म होने की कगार पर है The tiger is an animal that is nearing extinction. A century ago, about 1 lakh tigers were found in India. to agar hum kuch century pehle ki baat kare तो एक लाख तक टाइगर यहाँ पर देखने को मिलते थे. According to the census done in 2008, there are only 1,411 tigers left. सोचो so, कहाँ एक लाख और अब कहाँ रह गए? पंद्रह मतलब मुझे लगता है शायद एक लाख पूरे पंद्रह सौ भी नहीं है आसपास भी नहीं है चौदह सौ मान के चलिए द लास्ट ऑल इंडिया सेंसस अकर टू थाउजेंड फोर्टीन वेन टाइगर नंबर स्टूड एट टू थाउजेंड टू हंड्रेड ट्वेंटी सिक्स इट वॉज वन थाउजेंड सेवन हंड्रेड सिक्स इन टू थाउजेंड टेन दिस इज़ वेरी एनकरेजिंग बट द नंबर्स आर स्टिल वेरी स्मॉल हालांकि बढ़ोतरी हुई है जब इसकी संरक्षा की गई इसकी केयर की गई तो ये स्पीसीज़ थोड़ी बढ़ी ये प्रजाति थोड़ी बढ़ी पर फिर भी नंबर बहुत कम है कहाँ एक लाख और कहाँ अब तक वन थाउजेंड सेवन हंड्रेड सिक्स थे और टू थाउजेंड फोटीन में ये हो गए टू थाउजेंड टू हंड्रेड ट्वेंटी सिक्स पर फिर भी दो हज़ार बहुत कम है देखते हुए कि एक लाख थे ये नाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द एंडेंजर्ड एनिमल्स द गवर्नमेंट हैज़ इस्टेब्लिश वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज तो ऐसे जानवरों को जो खतरे में हैं उनके लिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई गई हैं सरकार के द्वारा अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन एन एरिया विद इन विच वाइल्ड लाइफ इज़ प्रोटेक्टेड तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर जंगली जानवरों को रहने के लिए प्रॉपर स्थान दिया जाता है प्रॉपर हर चीज़ दी जाती है हर फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाती है हंटिंग एंड पोचिंग आर प्रोहिबिटेड इन दीज एरियाज इन जगहों पर किसी भी टाइप की हंटिंग या इ लिगल हंटिंग पूरी तरीके से बैन है देर आर मैनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन इंडिया देयर दीज हैटिफाइड टेकिंग इन टू कंसिडरेशन द एंडेंजर्ड एनिमल्स एंड देयर है विजिटिंग प्लेस ऑफ द माइग्रेटरी बर्ड डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन अ वाइल्ड लाइफ सैंकुरी एंड अ जू इन अ जू एनिमल्स आर कंफाइंड विद इन एनक्लोजर एंड डिस्प्लेड टू द पब्लिक दे मे ऑल्सो बी ब्रेड इन ज़ूज़ विजिट द ज़ू नियरेस्ट टू द एरिया वेयर यू लिव एंड नेम द एनिमल्स यू सी देयर तो आप फ़र्क बताएँगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में और ज़ू में इसमें दिया हुआ है ज़ू के बारे में कि ज़ू एक ऐसी जगह है यानी चिड़ियाघर चिड़ियाघर एक ऐसी जगह है जहाँ पर जानवरों को बंद करके रखा जाता है और लोग उन्हें जाकर उनके पिंजड़ों में उनके एक पर्टिकुलर एरिया में एक फेंसिंग में जाकर उनको देख सकते हैं ये कुछ सेंचुरी के नाम दिए हुए हैं ये आपको लर्न करने हैं जैसे ये आपके हो गए ठीक है ये प्रोटेक्टेड एनिमल्स की या इस सेंचुरी में कौन कौन से एनिमल्स रखे हुए हैं और ये किस स्टेट में है ये आपको अपनी नोटबुक में लिखना है और लर्न करना है अब हम बात करते हैं नेशनल पार्क की नेशनल पार्कस आर क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट एनिमल्स एंड प्लांट्स देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ नेशनल पार्कस इन इंडिया एंड अ लॉट ऑफ दीज नेशनल पार्क को एग्जिस्ट विद वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज तो नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कई बार एक साथ बनाए जाते हैं और कई बार नेशनल पार्क अलग से बनाए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा जहाँ पर एनिमल्स और प्लांट्स को प्रोटेक्ट किया जाता है बचा कर रखा जाता है ये आपके कुछ नेशनल पार्क हैं जो आ, दिया हुआ है इसको आपको स्टडी करना है ये आपके नेशनल पार्क हो गए यहाँ पर प्रोटेक्टेड स्पीशीज़ दी हुई हैं आपको कि यहाँ पर कौन सी आ, आ, प्रजातियों को संरक्षा दी जाती है आ, इसके अलावा ये लोकेशन दी हुई है कि ये कहाँ पर है तो ये वाला नेशनल पार्क मैंने देखा है यहाँ पर टाइगर देखने को मिला था आ, अच्छा था एक्सपीरियंस काफ़ी देख सकते हैं ना बायोस्फीयर रिज़र्व बायोस्फीयर रिज़र्व क्या होता है अ बायोस्फीयर रिज़र्व इज़ एन एरिया ऑफ लैंड और वाटर दैट इज़ प्रोटेक्टेड बाई लॉ इन ऑर्डर

The environmental community figure out how to protect the world's plant and animal species while dealing with the growing population and its resource needs. तो एक biosphere रिजर्व में साइंटिस्ट को मौके दिए जाते हैं प्लेटफॉर्म दिया जाता है जहाँ पर वो ये सोच पाएँ कि प्लांट्स और species को हम कैसे बचा के रख सकते हैं प्लांट्स की species को और एनिमल्स की species को हम किस तरीके से बचा सकते हैं कि पॉपुलेशन भी बढ़े और जानवर और प्लांट्स को नुकसान भी ना पहुंचे देर आर थ्री मेन पार्ट्स टू अ बायोस्फेयर रिजर्व द फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड द कोर जोन तो बायोस्फेयर रिजर्व के तीन पार्ट इसमें बताए गए हैं पहला है आपका कोर जोन दिस जोन इज स्ट्रांगली प्रोटेक्टेड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी टू मेक श्योर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर सेफ फ्रॉम ह्यूमन इम्पैक्ट तो कोर जोन के अंदर आ, अच्छा खासा तरीके से प्रोटेक्ट किया जाता है प्लांट्स और एनिमल्स को और अच्छे से स्ट्रिक्टली इस बात का ध्यान रखा जाता है कि किसी भी तरीके से प्लांट्स और एनिमल्स को ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से नुकसान ना पहुँचे द सेकेंड पार्ट कॉल्ड अ बफर जोन दिस जोन सराउंड द कोर जोन एंड प्रोवाइड्स अ स्पेस फॉर एन्वायरमेंटल रिसर्च रिक्रिएशन एंड टूरिज़म उसके बाद बनाया जाता है बफर जोन जो कि यूज़ किया जाता है टूरिज़म के लिए या फिर रिसर्च के लिए द लास्ट पार्ट इज़ कॉल्ड अ ट्रांजिशन जोन अ ट्रांसन ट्रांजिशन जोन इज़ फॉर लोकल कम्युनिटीज़ दैट है हैंड इन मैनेजिंग द रिसोर्स ऑफ अ एरिया थ्रू फार्मिंग फिशरीज एंड अदर नॉन गवर्नमेंटल एक्टिविटीज़ तो यहाँ पर दिया जाता है रिसोर्स को मैनेज करने के लिए चाहे वो फ़िशरीज़ हो या फिर आपकी ऐसी एक्टिविटीज़ हो जो एन्वायरमेंट से रिलेटेड हों पर एनवायरमेंट को नुकसान ना पहुंचाएँ ये आपके बायोस्फीयर रिजर्व दिए हुए हैं ये देखिए जैसे नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व दिस इज इन केरला तमिलनाडु एंड कर्नाटका नंदा देवी बायोस्फीयर इट इज इन उत्तराखंड एंड पंचमढ़ी बायोस्फीयर इट इज इन मध्य प्रदेश ह्यूमन एक्टिविटीज हैव नॉट है इवन द सीज एंड ओशियंस Excessive fishing, oil exploration, oil spills and several other factors are endangering or causing extinction of many marine species. तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ से ओशियस और सीज भी दूर नहीं रहे हैं हमारी ह्यूमन जो हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो ओशियंस और सी में भी जानवरों को चैन से जीने नहीं दे रही है वहाँ पर ऑयल फैलता है जब ऑयल निकाला जाता है वहाँ पर फिशिंग ज़्यादा होती है तो मछलियों को पकड़ लिया जाता है इसके अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जैसे कि पोल्यूशन प्लास्टिक जाता है ओशन्स में और सीज में जिसकी वजह से भी जो आपके एक्वेटिक एनिमल्स हैं और प्लांट्स हैं उनको नुकसान पहुंचता है नाउ बायोडाइवर्सिटी पार्क्स इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग आर एनवायरनमेंट ब्यूटीफुल द दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी हैज़ डेवलप्ड बायोडाइवर्सिटी पार्क्स इन द नेशनल कैपिटल ऑफ इंडिया हमारे एनवायरनमेंट को सुंदर बनाने के लिए दिल्ली गवर्नमेंट ने एक अच्छा मुहिम चालू की है वो है दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ये बनाई गई है और इसका काम है कि दिल्ली के अंदर यानी हमारी इंडिया की कैपिटल क्या है दिल्ली दिल्ली के अंदर बायोडाइवर्सिटी पार्क्स बनाए जाएंगे द यमुना एंड अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क्स वर डेवलप्ड अ फ्यू इयर्स एगो एंड द तिलपत वैली बायोडाइवर्सिटी पार्क वॉज इनागरेटेड इन फेब्ररी टू थाउजेंड एटीन द प्राइम गोल ऑफ द पार्क्स इज टू कंजर्व एंड प्रिजर्व द इको सिस्टम ऑफ टू मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ डेली द यमुना रिवर एंड द अरावली हिल्स तो यमुना रिवर और अरावली हिल्स में मिलने वाले ये जो इको सिस्टम है, है ना इसमें ऑर्गेनिजम्स को और स्पीसीज को बचाना इनका मेन काम है द पार्क्स आर यूनिक लैंडस्केप्स डिज़ाइन बाय द डी डी ए दे आर द फर्स्ट ऑफ देयर काइंड इन इंडिया एंड ऑल्सो परहैप्स इन द वर्ल्ड एंड हाउ बर हंड्रेड ऑफ वैनिशिंग स्पीसीज तो ये दुनिया में ही एक ऐसी चीज़ है जो अब तक नहीं हुई और हमारे इंडिया में ही शुरू हुई है पहली बार इस तरीके का कोई प्रोजेक्ट इंडिया में और वर्ल्ड में लाया गया है और इसका जो मेन काम है और जो ये कर भी रहा है कि बहुत सारी ऐसी स्पीसीज हैं जो जिनको ये बचा रहा है दे प्रोवाइड ऑल्टरनेटिव हैबिटेट्स फॉर माइग्रेटरी एंड रेजिडेंट बर्ड स्पीसीज़ हेल्प इन द रिचार्ज ऑफ अंडरग्राउंड वाटर एक्ट एज सिंग्स फॉर कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर पॉल्यूटेंट्स तो इसका काम क्या है ये क्या क्या, क्या कर रहा है एक तो जो माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं माइग्रेटरी बर्ड्स जैसा कि मैंने आपको बताया था कि माइग्रेटरी बर्ड्स जो मौसम के अनुसार एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं ऐसी बर्ड्स के लिए जगह प्रोवाइड कराना इनका काम है वहाँ की जो मेन बर्ड्स हैं जो रेसिडेंट बर्ड्स हैं यानी जो वहीं जिस एरिया की जो बर्ड हैं उनको भी बचाना इनका काम है कार्बन डाइऑक्साइड को मेंटेन करवाने का भी काम है इनका और ग्राउंड वाटर यानी कि ज़मीन के पानी को रिचार्ज भी इस प्रोजेक्ट में करते हैं बायोडाइवर्सिटी पार्क्स हेल्प प्रोवाइड बेटर लोकल वेदर कंडीशंस एंड सर्व एज लर्निंग सेंटर्स फॉर द स्टूडेंट्स टीचर्स एंड साइंटिस्ट अदर एफर्ट्स टू कंजर्व फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ अब हम देखते हैं कि क्या क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं जिससे कि हम अपने फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को बचा पाएँ इन एडिशन टू द एफर्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट देयर आर मैनी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस दैट आर वर्किंग टू प्रिजर्व वाइल्ड लाइफ देखो सरकार तो अपने लेवल पर काम कर ही रही है इसके अलावा कुछ प्र, प्राइवेट और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स के संरक्षण में काम कर रहे हैं संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं पीपल मस्ट पार्टिसिपेट एक्टिवली इन दिस कंजर्वेशन एफर्ट्स बाय यूजिंग द रिसोर्सेज दैट नेचर प्रोवाइडर्स विदाउट वेस्टिंग दैम एफर्ट्स आर बीइंग मेड टू प्लांट ट्रीज एंड रिक्रिएट फॉरेस्ट दैट द पास्ट कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए जाएँ और उन जंगलों को दोबारा से हरा भरा कर दिया जाए जिन्हें हमने अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए काट दिया था दिस एफर्ट इज़ कॉल्ड रिफॉरेस्टेशन और इस जंगल को दोबारा जान देने के लिए पूरा हरा भरा करने के लिए जो प्रोसीजर है उसको हम बोलते हैं रिफॉरेस्टेशन people should be encouraged to plant more trees and try to convert the cities from concrete jungles to green cities लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है कि सिटीज़ का मतलब ये नहीं है कि आपने बिल्डिंग्स बना ली आपने रोड्स बना लिए आपने घर बना लिए प्लस सिटी का मतलब एक अच्छी सिटी का मतलब है कि वो ग्रीन भी हो हरी भरी भी हो रिसाइकलिंग ऑफ पेपर इज अनादर वे बाय विच डिफॉरस्टेशन कैन बी कर्व्ड

Given below are some benefits of recycling papers. Recycling newspaper saves landfill space. Every ton of recycled newspaper can lead to energy savings enough to power a television for approximately 31 hours. Recycling one ton of paper can save 17 fully grown trees. यानी कि सोच सकते हो आप एक टन पेपर को अगर हम रिसाइकल करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हमने सत्रह पेड़ों को बचा लिया. इट रिज सल्फर डाइऑक्साइड एमिशंस इसके अलावा ये सल्फर डाइऑक्साइड के एमिशन को भी रोकता है इट यूज लेस फॉसिल फ्यूल्स सो अब हम ये चैप्टर कम्प्लीट कर चुके हैं ये गो ग्रीन एक्टिविटी ये आप खुद करेंगे ओके क्वेश्चन आंसर्स भी आपको खुद करने हैं एक्सरसाइजिज आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगी नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर टिल देन बाय